हेलो गाइस, आज हम इसलिए बीवी को काम करने नहीं देता हूँ। ये है हमारे प्यारे लाल। लास्ट सब्जी पक रही है और हम अलविदा कह रहे हैं इस चंडीगढ़ को। तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं बोलते हैं जो बंदा जिंदगी में सैक्रिफाइस नहीं कर सकता वो बंदा जिंदगी में कुछ अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर पाएगा। हेलो गाइस, आज हमारे प्यारे लाल बना रहे हैं सब्जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या क्या लाए हैं आपने? टमाटर है, लौकी है जी, और प्याज है जी। तो तीन सब्जी को एक ही जगह पे मिक्स करेंगे और आप लोगों को आप इसका तड़का चखाएंगे कि इसका मजा कैसा है। तो ये है हमारे प्यारे लाल जो कि सब्जी पका रहे हैं। बैचलर लाइफ ही होती है, हाँ, मजा आता है पकाने में, बनाने में। कल आने वाले टाइम में न्यू जनरेशन को हेल्प मिलेगी, हाँ, जब फैमिली घर पे नहीं होगी। तो हेलो गाइस, आज देखते हैं हमारे प्यारे लाल का तड़का। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? चलिए जरूर दिखाएंगे आपको तड़का। सालन को देखते हैं। तो ये देखिए, लोग अलग अलग सब्जी पकाते हैं लेकिन इसने तो तीन चार सब्जी को एक ही जगह पे मिक्स करके आप इसको वो बनाएगा। वाह भाई प्यारे लाल, आज तो मजा आने वाला है। आज देखिए कि कैसा मजा आता है। वाह, ये देखिए भाई, इसमें अगर टमाटर की बात करें तो इसको छोटे छोटे करके पकाए जाते हैं लेकिन इसने तो जैसे इस सब्जी की जैसी की तैसी कर दी। क्या बोलने इसके बारे में? नहीं, ये बहुत बढ़िया बनेगी जब आप टेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन जी। आज आप क्या बताना चाहोगे इस सब्जी के बारे में? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसे बंदे ने काटी जो इससे बेहतर है खुद। हाय हाय, ऐसे में उसके भी टुकड़े कर दो। हाय हाय, नहीं सब्जी को थोड़ा टाइम दो, सब्जी अच्छी हो जाएगी। तो इसका मानना है कि सब्जी की ऐसी की तैसी की गई है और ये आप इसके साथ में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं सब्जी के ऊपर। तो मोहसिन भाई, आज आपको ऐसी की तैसी सब्जी दिखाई। ये देखो, आप शुरू हो चुके हैं हमारे मोहसिन भाई, जो हमारे पहले प्यारे लाल थे, अब मोहसिन भाई आ चुके हैं। तो देखते हैं इसके हाथ का जायका हमें कैसे देखने को मिलता है। वो पावर भी आ गई अब, तो देखते हैं कैसा मजा आता है। अभी तो सब्जी पक रही है और जैसी इस सब्जी की जैसी तैसी हो उसके बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे। मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं। लास्ट सब्जी पक रही है और हम अलविदा कह रहे हैं इस चंडीगढ़ को। तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आया था अपने वर्क के रिलेटेड भी, आपके साथ बैठा ऑलमोस्ट में 20 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर किया चंडीगढ़, कुछ मॉल सेंटर भी गए, कुछ ऑफिस को लोकेट भी किया और अपना पकाने में जो एक अलग मज़ा है फ्रेंडशिप के साथ, अलग ही फीलिंग होती है। क्योंकि मैं हॉस्टल लाइफ ऑलरेडी 6 साल गुजार चुका हूँ। एक वो लाइफ होती है वो बंदे को कभी भूलती नहीं है, कॉलेज लाइफ। आपका अभी कॉलेज चल रहा है, आप स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, अभी छुट्टियाँ हो रही हैं, आपके एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम ऑफ कर रहे हैं इसको। आज हमारा लास्ट हमारा लंच यहाँ पर बनेगा, जिस तरह तो हम कि हम शाम को निकलेंगे यहाँ से अपनी जम्मू की ओर, फिर श्रीनगर की ओर। तो यही मैसेज है कि चिल करो, एक्सप्लोर करो और अपनी लाइफ को मौज मस्ती के साथ, स्टडी के साथ साथ, काम के साथ साथ, खाली 9 से 5 लगे रहना काम के अंदर, वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है आप जिस स्टेट के अंदर, कल दूसरे स्टेट के, परसों तीसरे स्टेट के, उसके बाद चौथे स्टेट के अंदर, तो ज़िंदगी हमारा एक्सप्लोर करने का नाम है, खाली एक जगह बैठने का नाम नहीं है। बाकी मिलते रहेंगे। बाकी आप ये बताएं कि हमारे साथ जो आपने 15-20 दिन स्पेंड किए तो उसमें आपको क्या कुछ नज़र आया? कहीं हमने कुछ कोताही तो नहीं किया? नहीं, बहुत बढ़िया रहा मेरा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
कुछ हमें कुछ सीखने को मिला, कुछ हमने आपको भी सिखाया होगा, आई होप आप अंडरस्टैंड कर भी चुके होंगे इन दिनों के अंदर। तो काफ़ी अच्छा चिल माहौल रहा, बहुत सारी अच्छी जगह विजिट किया। मैं चंडीगढ़ से पहले नहीं आया था, दिल्ली जानता था मैं, हरियाणा जानता था मैं, बाकी स्टेट्स के अंदर मैं गया था, लेकिन चंडीगढ़ मेरा फर्स्ट विजिट था। तो कुछ शॉपिंग हमने की वहाँ से आके, तो इंशाल्लाह शाम जब हम वापस आएंगे अच्छा एक्सपीरियंस का एक्सप्लोर करते रहिए, चिल करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमारे कश्मीर के अंदर अभी 31-32 डिग्री क्या होगा आई थिंक, वो भी लोग वहाँ पे उस गर्मी के अंदर बोल रहे वाह कितनी गर्मी है, लेकिन उसके डबल यहाँ पे है। बट बोलते हैं जो बंदा जिंदगी में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता वो बंदा जिंदगी में कुछ अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर पाएगा। तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी करते रहिए, चिल भी करते रहिए, और आने वाले टाइम में आपका जिंदगी अच्छे से बढ़ेगी। आप चंडीगढ़ आके आप किस किस जगह पे गए और किस किस जगह को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे और कौन कौन सी जगह आपको अच्छी लगी यहाँ? यहाँ पे अगर मॉल करें जो हमारा यहाँ पे CP67 मॉल है, बहुत बढ़िया मॉल है। VR मॉल हम गए थे, CP67 मॉल गए थे, और सुहाना हम गए थे, खरड़ घूमे, ऑल ओवर चंडीगढ़ के रीजन के अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लोर भी किया, कुछ नया सीखने को भी मिला, कुछ ऑफिस को विजिट किया, कुछ सीनियर के साथ हमने मुलाकात की जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो उन लोगों से मिला जिनके पास 15-15 साल का, 20-20 साल का, 8-8 साल का, 10-10 साल का एक्सपीरियंस था। जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया, जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया, वो आज के टाइम में कितने लोगों को कामयाब कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से, चाहे हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें, चाहे उनकी इनकम की बात करें, चाहे हम बेस्ट लर्निंग की बात करें, मतलब आज के टाइम में ऑनलाइन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ऑनलाइन चीज़ों को सिस्टम को अडाप्ट करना, अप स्किल को अडाप्ट करना, ताकि दूसरों लोगों के लिए एक इम्पैक्ट डाल करें। आज हम 21st डिजिटल एरा के अंदर सेंचुरी के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पे आज के टाइम में इंटरनेट इतना ग्रूम कर चुकी है, इंस्टाग्राम इतना ग्रूम कर चुका है, फेसबुक इतना ग्रूम कर चुका है, यूट्यूब इतना ग्रूम कर चुका, लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते जो आज से 10 साल पहले नहीं होते थे, उन टाइम पे बोला जाता था कि ये काम नहीं चलते, लेकिन आज के टाइम में हम गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, हर एक हम आज अपने अपनी टिकट भी ऑनलाइन की, हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो आप देखो आज के टाइम में ऑनलाइन का कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है। आज के टाइम को आप एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ों को डेवलप करोगे, आगे आने वाले टाइम के अंदर वो आपको हेल्प करेगी। अगर आज आप ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट नहीं बनोगे, कहीं ना कहीं लेंगे आपका ही रहेगा, नुकसान आपका ही रहेगा, और आने वाले टाइम पे आपको इस चीज़ का बहुत फील होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़ में क्या डिफरेंस देखने को मिल गया? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का क्या ही कहना, पैराडाइज ऑन अर्थ है, जिसको जनरल कहा जाता है, हम एक हेवन के अंदर रहते हैं वहाँ पे। तो चंडीगढ़ भी मतलब अच्छी खासी जगह है यहाँ पे, लेकिन हमें कश्मीर के अंदर जो हमारा वेदर टेम्परेचर होता है हम उसके अडाप्टेबल होते हैं, वहाँ पे 32 डिग्री 33 मोस्टली 35 चला जाता है, लेकिन यहाँ पे डबल है 45 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री, तो हमारे लिए वो अडाप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमारा कश्मीर है उसको तो पूरी दुनिया का एक ताज कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, वो जन्नत है। अगर कहीं आपको जन्नत ढूंढनी है तो आप कश्मीर को देखो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। और हमारे साथ मोहसिन भाई हैं, मोहसिन भाई को भी आप देख सकते हो, अलविदाई के वक्त ये बर्तन वर्तन धो रहे हैं, हमारी जैसे बाली बनी हुई है, आप ये देख सकते हो। ये देखो लास्ट पे एट द लास्ट मोमेंट कैसे एंजॉय कर रहे हैं विद ईच अदर, है ना, एवरी फ्रेंड्स एंजॉइंग विद ईच अदर एट द लास्ट मोमेंट। दोस्तों से जिंदगी बसती है, दोस्तों से जिंदगी, यहाँ पे चिल माहौल दोस्तों के साथ किया जाता है, सीखता है इंसान, नई नई चीज़ों को डेवलप करता है। हमें खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन हमने सीखा था 2014 से बाहर रहे घर से वगैरह। पहले पीछे के नज़ारे दिखाएंगे, देखो लड़ भी रहे आपस में, लास्ट मोमेंट मैं पकाऊंगा वो पकाऊंगा वगैरह झगड़े कर रहे हैं, और सब्जी पे सब्जी को भी आप और पीछे से ये देख सकते हो आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कैसे ये लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और सबसे अगर इसके पीछे बिहाइंड द रीज़न देखी जाए तो ये है सब्ज़ी। तो एक बता रहा है मैं पकाऊंगा, दूसरा बता रहा है मैं पकाऊंगा, और जैसे कि पहले भी मैंने आपको दिखाई कि सब्जी जो है वो पहले से तैयार की जा रही है, और ये देखिए इसलिए बीवी को काम करने नहीं देता हूँ। अच्छा,
तो इसने अपनी बीवी अपने ही दोस्तों को बना रखा है, मोहसिन भाई है इसका नाम, तो बहुत ही अच्छे हैं, हैंडसम है। तो गाइस ये वीडियो जो है ये एंटरटेनमेंट के से मुतलिक है, और इस वीडियो में सिर्फ हमने लास्ट मोमेंट में जाने के वक्त, क्योंकि आज चंडीगढ़ से हम कश्मीर जा रहे हैं, तो एट द लास्ट मोमेंट हमने सोचा कि एंजॉय करें, चिल करें, यहाँ पे थोड़ी मोमेंट्स दिखाएं, दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू, और बनाए रखें अपना प्यार। थैंक यू।